तभी ही बाबा टच करते हैं त्रिकालदर्शी स्थिति के ऊपर फोकस किया। त्रिकालदर्शी म्यूजिक बंद करो। त्रिकालदर्शी वो तो हमको पता है तीनों कालों को जानने वाले, लेकिन हर बात में त्रिकालदर्शी उसके ऊपर बाबा ने बहुत फोकस किया है। हर बात में तीनों कालों को जानकर कर्म करना। देखो कर्म में मिस्टेक कब नहीं होती है, जब उस समय कभी भी बाद में रिग्रेट होता है या अफसोस होता है, उसका कारण क्या है त्रिकालदर्शी होकर नहीं समझते। कहते बाद में मुझे समझ में आया, नहीं ऐसी नहीं ऐसी बात थी। तो कोई भी कर्म, क्योंकि कितना भी बाद में याद कर लो, हो तो गया ना, हिसाब किताब तो बन ही गया ना उस कर्म का, और फिर जो भी इसका इफेक्ट होना था वो तो हो ही गया। तो हर बात में त्रिकालदर्शी, और उसके लिए क्या चाहिए त्रिकालदर्शी के लिए? त्रिकालदर्शी के लिए चाहिए एकदम समान मैच्योरिटी, मैच्योरिटी जो स्पॉन्टेनियस इंस्टेंट बस सोचा और करना है। ये वाली स्टाइल से अगर हम जब चलते हैं तभी कहीं ना कहीं गड़बड़ होती है। तो आज बाबा की बहुत अच्छी डीप बाबा की मुरली है त्रिकालदर्शी दिव्य बुद्धि का। 26-3 के महावाक्य 1-2-94 की रिवाइज स्टेट है। त्रिकालदर्शी स्थिति के श्रेष्ठ आसन द्वारा सदा विजयी बनो स्विच को का, और दूसरों को शक्ति का सहयोग दो। त्रिकालदर्शी स्थिति के श्रेष्ठ आसन द्वारा सदा विजयी बनो और दूसरों को शक्ति का सहयोग दो। आज त्रिकालदर्शी बाप दादा अपने सर्व मास्टर त्रिकालदर्शी बच्चों को देख रहे हैं। त्रिकालदर्शी बनने का साधन बाप दादा ने हर बच्चे को दिव्य बुद्धि का वरदान व ब्राह्मण जन्म की विशेष सौगात दी है। दिव्य बुद्धि से त्रिकालदर्शी, क्योंकि नॉर्मल बुद्धि क्या सोचती है, प्रेजेंट का सोचेगी, पास्ट का रिग्रेट होगा, लेकिन दिव्य बुद्धि पास्ट के भी एसेंस को समझेगी, नॉर्मल में भी क्लियर है और फ्यूचर में भी भविष्य का। तो इसलिए बाबा कहते दिव्य बुद्धि द्वारा ही बाप को अपने आप को और तीनों कालों को स्पष्ट जान सकते हैं। दिव्य बुद्धि तथा याद द्वारा ही सर्व शक्तियों को धारण कर सकते हो। इसलिए पहला वरदान दिव्य बुद्धि है। ये वरदान बाप दादा ने सर्व बच्चों को दिया है, लेकिन इस वरदान को प्रत्यक्ष जीवन में नंबरवार कार्य में लगाते हो। दिव्य बुद्धि त्रिकालदर्शी स्थिति का अनुभव कराती है। क्यों दिव्य बुद्धि और त्रिकालदर्शी? क्योंकि डिसाइड किसको करना है, देखना किसको है, तीनों कालों को देखो, देखने का काम बुद्धि का है, डिसाइड करने का काम बुद्धि का है। इसलिए दिव्य बुद्धि होगी तो त्रिकालदर्शी होगी। दिव्य बुद्धि त्रिकालदर्शी स्थिति का अनुभव कराती है। चारों ही सब्जेक्ट धारण करने का आधार दिव्य बुद्धि है। चारों ही सब्जेक्ट को सभी बच्चे अच्छी तरह से जानते हैं, वर्णन भी करते हैं, लेकिन जानना वर्णन करना ये सभी को आता है, चाहे नए हैं चाहे पुराने हैं, इसमें सभी होशियार हैं, लेकिन धारण करना
इसमें नंबर बन जाते हैं। दिव्य बुद्धि की विशेषताएं, दिव्य बुद्धि वाली आत्माएं कोई भी संकल्प को, अब देखो दिव्य बुद्धि की विशेषताएं, पहला कोई भी संकल्प को कर्म व वाणी में लाने समय हर बोल और हर कर्म को तीनों काल से जानकर फिर प्रैक्टिकल में आती है। कोई भी संकल्प को बोल और कर्म में, क्योंकि आता सबसे पहले थॉट में, वही फिल्टर होना जरूरी है कि मुझे वैसे बोलना है या फिर मुझे वैसे करना है। तो तीनों कालों काल से जानकर फिर प्रैक्टिकल में आती है। साधारण बुद्धि वाली आत्माएं बहुत करके वर्तमान को स्पष्ट जानती है, अभी की बात उसको क्लियर होती है, लेकिन भविष्य और भूतकाल को स्पष्ट नहीं जानती। भूतकाल को स्पष्ट क्यों नहीं? क्योंकि भूतकाल में भी रिग्रेट का संकल्प है उसके, या तो फिर वो क्या है, मलिन बुद्धि है, खाली दोष दृष्टि रिग्रेट, तो वो मलिन बुद्धि है। तो भूतकाल को भी दिव्य बुद्धि से समझना हो गया, कितनी भी बड़ी मिस्टेक हो, अब मुझे कैसे इसको करना है। ये जो एसेंस वाली बुद्धि है उस पास्ट के लिए भी, वो है दिव्य बुद्धि। और तो बाबा कहते हैं साधारण बुद्धि केवल वर्तमान को बहुत करके स्पष्ट जानती है, और दिव्य बुद्धि वाली सेकंड आत्मा को पास्ट और फ्यूचर भी इतना ही स्पष्ट होता है जैसे प्रेजेंट स्पष्ट है। पास्ट और फ्यूचर, फ्यूचर कैसे स्पष्ट होगा? इंट्यूटिव पावर, या कोई भी, जब हमारा बुद्धि क्लीन होती है ना, तो अब शीशा, गाड़ी का शीशा क्लीन होगा तो आपको सामने जो है वो दिखाई देगा ना, उसको कहेंगे पास्ट का देखना, फ्यूचर का दिखना। तो इसमें कोई इंट्यूटिव पावर भी, चाहे उसको हम वैसे यही वर्ड बोलते हैं, लेकिन वो एकदम बुद्धि की क्लैरिटी है। और बुद्धि की क्लैरिटी कब होती है? जितनी संकल्पों में सच्चाई होगी ना, बुद्धि क्लीन होगी। कुछ भी थोड़ा भी गड़बड़ होगा ना संकल्प में, बुद्धि मलिन होती है। तो बाबा इसलिए कहते हैं तीनों ही काल साथ साथ, देखो वो भी इंपॉर्टेंट है, तीनों ही काल साथ साथ स्पष्ट अनुभव होता है, साथ साथ भी हो और स्पष्ट भी हो। वैसे सभी कहते भी है कि जो सोचो, जो करो, जो बोलो, आगे पीछे को सोच समझ करके करो, कर्म के पहले परिणाम को सामने रखो। दुनिया में तो यही बोलते हैं ना, परिणाम हुआ भविष्य। तो नंबर वन है त्रिकालदर्शी बुद्धि, आगे पीछे को, दुनिया में क्या सीक्वेंस भी कैसा है, सोचो समझो करो, करने का बहुत लास्ट में बताया है, पहले सोचो समझो। और अगर अगर उस सीक्वेंस को हम रिवर्स करते हैं, जब स्पॉन्टेनियस नेचर होता है, पहले कर लेते हैं और फिर समझते अरे क्या किया, और फिर जीवन भर सोचते रहते हैं, रिवर्स किया है। इसलिए बाबा कहते हैं कर्म के पहले परिणाम को सामने रखो, परिणाम हुआ भविष्य। तो नंबर वन है त्रिकालदर्शी बुद्धि। त्रिकालदर्शी बुद्धि कभी असफलता का अनुभव नहीं करेगी। त्रिकालदर्शी तो जिसको इतना क्लियर होगा वो कभी
सक्सेस नहीं का मतलब क्या है? सक्सेस का मतलब केवल मेरा ये सफल हुआ ये नहीं, बहुत अच्छा है, बहुत लोग आ गए, ये कोई भी प्रोग्राम है, यही सफलता नहीं है। बाबा ने कितना अच्छा सेवा की सफलता का, जो हमने क्विज पे मुरली भी की थी, स्व की संतुष्टता, अन्य आत्माओं की संतुष्टता और कायदेसीर है वो संतुष्टता, वो है सेवा की सफलता, वो सफलता। तो बाबा इसलिए कहते हैं कि त्रिकाल दर्शी बुद्धि कभी असफलता का अनुभव नहीं करेगी, लेकिन बच्चों में तीन प्रकार की बुद्धि वाले हैं। तो तीन हो गए कैरेक्टरिस्टिक्स। अच्छा, तीन प्रकार की बुद्धि वाले हैं। पहला नंबर सुनाया त्रिकालदर्शी बुद्धि, दूसरा नंबर कभी त्रिकालदर्शी और कभी एक कालदर्शी, तीसरा नंबर अलबेली बुद्धि, जो वर्तमान, जो सदा वर्तमान को देखते। सुमन बेन आगे आ जाओ, इधर आ जाओ, अंजू बेन आप भी इस तरफ आ जाओ, दिखाई नहीं दे रही। तो बाबा यही कह रहे हैं, तीसरा नंबर अलबेली बुद्धि। तो पहला नंबर है त्रिकालदर्शी बुद्धि, दूसरा नंबर एक कालदर्शी, तीसरा नंबर अलबेली बुद्धि, जो सदा वर्तमान को देखते और सदा यही सोचते कि अभी हो रहा है या मिल रहा है वा चल रहा है इसमें ठीक रहे, भविष्य क्या होगा इसका क्यों सोचे। लेकिन अलबेली बुद्धि आदि मध्य अंत को न जानने के कारण, आदि मध्य अंत को न सोचने के कारण सदा सफलता प्राप्त करने में धोखा खा लेती है। तो बनना है त्रिकालदर्शी, नोअर, जानने वाला, त्रिकालदर्शी स्थिति। अब उसके फायदे, ऐसी श्रेष्ठ आसन है। तो त्रिकालदर्शी के लिए क्या चाहिए? थोड़ा पेशेंस। त्रिलोक तो फिजिकल है ना, मतलब तीन लोक हुआ, तीन काल मतलब पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर, समय का काल मतलब टाइम। तो बाबा कहते हैं तो उसके लिए चाहिए थोड़ा पेशेंस, जो इमीडिएट नेचर होता है ना, वो वहां कहीं ना कहीं गड़बड़ होती है। और पेशेंस कब आता है? पेशेंस के लिए क्या चाहिए? एकाग्रता की, योग की पावर, योग की बुद्धि, योग का संस्कार, वो आत्मा में पेशेंस भी होता है। त्रिकालदर्शी स्थिति ऐसा श्रेष्ठ आसन है जिस आसन अर्थात स्थिति द्वारा स्वयं भी सदा विजयी और दूसरों को भी विजयी बनने की शक्ति व सहयोग देने वाले हैं। स्वयं भी विजयी और दूसरों को भी विजयी बनने की शक्ति व सहयोग देने वाले हैं। दिव्य बुद्धि विशाल बुद्धि है, दिव्य बुद्धि बेहद की बुद्धि है। तो चेक करो स्वयं की बुद्धि किस नंबर की बनाई है। बाप दादा ने बच्चों के रिजल्ट में देखा कि ज्ञान गुण शक्तियों का खजाना जमा सभी बच्चों के पास है, लेकिन जमा होते भी नंबरवार क्यों है? दिव्य बुद्धि बेहद की बुद्धि, चार तीन थे ना, उसके बाद फोर्थ ऐड कर सकते। तो जमा सब में है, ज्ञान की
गुह्यता जमा है, तो बहुत मास्टर है ना, ज्ञान तो अच्छे से समझ। गुण और शक्तियों का खजाना जमा सभी बच्चों के पास है। कैसे कहेंगे जमा है? देखो वो चीज मेरे पास है, मेरे संकल्प में उसकी एक्सेप्टेंस है, मतलब वो चीज मेरे पास है। जैसे अभी हम कहेंगे कि मेरे में ना पेशेंस नहीं है मेरे में, लेकिन ये ज्ञान तो है ना कि पेशेंस होना चाहिए, पेशेंस मुझे अच्छा लगता है, तो ये ज्ञान है, मतलब ये गुण है। अभी उसको यूज करेंगे तब तो वो पता चलेगा, ज्ञान में ही तो गुण और शक्तियां है। अच्छा तो बाबा कह रहे हैं पास, लेकिन जमा होते भी नंबरवार क्यों है? ऐसा कोई भी नहीं दिखाया दिखाई दिया जिसके पास खजाने जमा नहीं है। सभी के पास जमा है ना, फिर नंबरवार क्यों? अगर किसी से भी पूछेंगे, स्वयं का ज्ञान है, बाप का ज्ञान है, चक्र का ज्ञान है, हाँ हाँ कान दिलाओ है तो अच्छा, कर्मों के गति का ज्ञान है, कान दिलाए। अच्छा सभी के पास सर्वशक्तियां है, सर्वशक्तियां है, सर्वशक्तियां, ऑर्डर किया आया कि कोई 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 है कोई नहीं है। मेरे में ना मैं सहन नहीं कर सकती हूँ, मेरे में धैर्यता की शक्ति नहीं, या मेरे में निर्णय मैं जल्दी नहीं कर सकती हूँ। तो बाबा पूछ रहे हैं, कोई ज्ञान में सभी ने हाँ किया है ना, और शक्तियों में हाँ क्यों नहीं किया? वहां भी यही रिजल्ट था, वहां भी ऐसे स्माइल किया होगा बाबा को। अच्छा सभी सभी गुण है, मौजूद है, सभी गुण है, बुद्धि में ज्ञान भी है, शक्तियां भी है, फिर नंबरवार क्यों? फर्क क्या होता है? खजाने को विधि पूर्वक कार्य में लगाना नहीं आता, समय है, ज्ञान है, सभी ने हाँ किया, मतलब उसमें गुण और शक्तियां है, लेकिन टाइम पर उसको यूज करना, बस उसी में वो, जैसे ये है ना, ये टेक्नोलॉजी मोबाइल है, ये है, इसमें फीचर्स बहुत सारे हैं, हम यूज एक्चुअली कितना करते हैं? जिसको जितना पता है, हमको पता है ऑन करना है ऑफ करना है, ये वीडियो ऑन करना है ये किसी को बहुत ज्यादा पता है तो वो ज्यादा यूज करता है इसको, किसी को पूरा पता है तो वो सोचेगा क्या तुम लोग ये सामने होकर तुम ये इतना प्रॉब्लम आपको किसकी। तो पता है लेकिन अगर यूज नहीं करे तो फिर समय बीत जाता है, फिर सोचते हैं कि ऐसे करते थे, इस विधि से चलते थे तो सिद्धि मिल जाती थी। तो समय को जानना और समय प्रमाण शक्ति व गुण व ज्ञान को कार्य में लगाना, इसके लिए दिव्य बुद्धि की विशेषता आवश्यक है, ये डिवाइन इंटेलेक्ट, समय को जानना और विधि पूर्वक समय प्रमाण शक्ति व गुण, ये बड़े बाबा के बहुत एक्यूरेट शब्द है, शब्दावली, समय प्रमाण विधि पूर्वक गुणवश ज्ञान को कार्य में लगाना, इसके लिए दिव्य बुद्धि की विशेषता आवश्यक है, बस इसी को दिव्य बुद्धि कहते हैं। सबके पास वैसे ज्ञान की पॉइंट्स बहुत सोचते रहते हैं, सुनाते भी रहते हैं, कॉपियों में भी भरी हुई रहती है,
सबके पास कितनी डायरिया इकट्ठी हुई होगी। सबसे इम्पोर्टेंट, हमारा सबसे बड़ा खजाना क्या है? कोई देता है अपनी डायरी को? कभी भी नहीं दान में देते कि नहीं ये मेरी कलेक्ट, मेरी खुद की कलेक्शन है। मुरली हमारी पुरानी होगी, हम दे देंगे। डायरिया नहीं देते हैं। तो काफी स्टॉक हो गया है ना, तो जैसे बाप के लिए गाया हुआ है कि मैं जो हूं जैसा हूं, वैसे मुझे जानने वाले कोटों में कोई है। जानते तो सभी है, लेकिन अंडरलाइन है, जो हूं जैसा हूं, उसमें अंतर पड़ जाता है। इसी रीति जैसा समय और जो ज्ञान की पॉइंट या गुण या शक्ति आवश्यक है, वैसा कार्य में लगाना, इसमें अंतर पड़ जाता है। बस उस समय लगाना, उसमें अंतर पड़ जाता है। अब उसमें भी ये भी कह सकते, अब तीन चार एप्लीकेबल होता है उस सिचुएशन में, कौन सा यूज करे उसको। क्योंकि बाबा ये भी कहता है कि बच्चे श्रीमत पर चलो, फिर ये भी कहता है अपनी बुद्धि को इसमें देखो कि ये ठीक है नहीं है, और वैसे श्रीमत मिली नहीं ये करो, तो क्या यूज करे? ठीक है या नहीं है ये गाइडेंस यूज करे या अपनी बुद्धि यूज करे? तो बाबा क्या फिर क्या कहेंगे, अब उस समय क्या करना है? तो जो हूं जैसा हूं, तो बाबा इसलिए के इसी अंतर के कारण नंबर बन जाते हैं। एक्चुअली एक्यूरेट होंगे ना तो राइट गाइडेंस भी राइट ही मिलती है, और वो राइट गाइडेंस हमें, सपोज किसी का गाइडेंस नहीं ठीक है, सब निमित्त जो है, लेकिन उसमें फिर हम अपना जो भी टेक है पॉइंट बता के, फिर समर्पित बुद्धियों के फिर हम लेते हैं उस बात को, तो भी हम राइट वे से चलते हैं। तो बाबा इसलिए कहते हैं कि तो इसी अंतर के कारण नंबर बन जाते हैं। तो कारण समझाना, जैसे आज का ही है वैसे, दान की दादी का जो दिखाएंगे, दादियों में कितनी समर्पित बुद्धि थी। दादी कहीं प्रोग्राम में थी, कॉल ऑफ द टाइम कोई कंट्री में, और वहां से मैसेज आया गुलजार दादी का कि बाबा ने कहा है आओ। दो ही दिन, एक ही दिन हुआ, एक ही क्लास हुई दादी की प्रोग्राम, और बहुत अच्छे अच्छे लोग आए हुए थे, और वहां कहा आओ, क्या करना चाहिए। अब सोचे तो देखे ना कि कितनी इंपॉर्टेंट दादी की प्रेजेंस है वहां। तो ये होता है कि तो अब बहनें सभी, जयंती बहन कह रही दादी आप सिर्फ एक दिन, क्योंकि इंडिया जाना है, एक दिन के लिए रुको, एक और दिन कुछ करा के फिर जाओ। अब ये उनकी बात तो राइट है ना, पर क्या इंपॉर्टेंट है अभी उस समय? अब वो रॉन्ग भी तो नहीं कह रहे ना सभी, पर दादी ने, बाबा दादी ने कहा है, फिर वापस पूछवाया, दादी ने कहा है, बाबा ने कहा है आओ। तो ये बुद्धि में जितनी मोल्डिंग नेचर होगी, समर्पित बुद्धि होगी, तो राइट। अच्छा, बाबा को 2 दिन रुक भी जाए, चलो क्या फर्क पड़ता है, मधुबन में काम तो चल ही जाएगा ना, ऐसा भी तो हो सकता है। वहां विदेश वाले ये भी सोच सकते कि इतना चलो, हाँ दादी की प्रेजेंस चाहिए मधुबन में, पर नहीं, अब यहां समर्पित बुद्धि। तो बाबा इसलिए कह रहे हैं कि तो कारण समझा, एक तो समय प्रमाण विधि का अंतर पड़ जाता है, दूसरा कोई भी कर्म समय के प्रमाण विधि का अंतर पड़ जाता है, दूसरा कोई भी कर्म व संकल्प त्रिकालदर्शी बन नहीं करते हैं। देखो बाबा ने कहा ना, जानते तो सभी है लेकिन अंडरलाइन है, जो हूं जैसा हूं उसमें अंतर पड़ जाता है। इस रीति जैसा समय और जो ज्ञान की पॉइंट या गुण या शक्ति आवश्यक है,
भी ध्यान से सुन रहे ना, क्योंकि आज की डीप मुरली है। वैसे वैसा कार्य में लगाना, इसमें अंतर पड़ जाता है। ज्ञान की पॉइंट, गुण या शक्ति आवश्यक है समय के अकॉर्डिंग। इस समय मुझे कौन सा पॉइंट यूज करना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नहीं तो कुछ भी पॉइंट्स लेके कभी कभी अपनी कन्वीनियंट के अकॉर्डिंग पॉइंट्स ले लेते हैं और फिर कहेंगे बाबा नहीं तो ऐसा कहा है। वैसा कार्य में लगाना, इसमें अंतर पड़ जाता है और इसी अंतर के कारण नंबर बन जाते। तो कारण समझा, एक तो समय प्रमाण विधि का अंतर पड़ जाता है, दूसरा तो विधि समय के अकॉर्डिंग विधि नहीं यूज की। कौन सी विधि थी? कि जो समय है वैसा ज्ञान या गुण का पॉइंट। अब इसमें भी वो भी क्लैरिटी चाहिए, कभी कभी हम अपनी कन्वीनियंट के अकॉर्डिंग तो नहीं कर रहे, समय के अकॉर्डिंग यही ज्ञान का पॉइंट है। और फिर भी अगर बुद्धि नहीं काम करती है तो राय लो, क्योंकि बुद्धि जब अटैच्ड होती है ना तो वो अपने कन्वीनियंट के हिसाब से सोचेगी, जब डिटैच्ड होती है ना तो वो पूरा उसको क्लियर होता है। अब जैसे इधर बैठे तो पूरा दिखाई देगा, उधर बैठा तो कितना दिखाई देगा, उस तरफ का दिखाई देगा, उधर का तो नहीं दिखाई देगा ना। तो डिटैच्ड बुद्धि फिर ये राइट पॉइंट यूज करेगी। तो कारण समझा, एक तो समय, हाँ, तो कोई भी संकल्प बुद्धि में आता है तो संकल्प है बीज, और वाचा और कर्मणा, संकल्प है बीज, वाचा और कर्मणा बीज का विस्तार है। अगर संकल्प अर्थात बीज को त्रिकालदर्शी स्थिति में स्थित होकर चेक करो, शक्तिशाली बनाओ, तो वाणी और कर्म में स्वतः ही सहज सफलता है ही है, ऑटोमेटिक। कब? जब कोई भी संकल्प को, बीज को त्रिकालदर्शी, संकल्प आते ही पहले पूरा तीनों कालों को समझो, समझ के कि क्या क्या पॉइंट्स बाबा ने इसके लिए कहा है, ये सब ये क्लियर हो, फिर डिटैचमेंट, शक्तिशाली बनाओ, तो वाणी और कर्म में बीज को शक्तिशाली बनाओ, त्रिकालदर्शी, नॉट विथ विकार। एनी विकार हेस्टी डिसीजन ले लेता है, और जहां हेस्टीनेस होता है वहां कहीं ना कहीं गड़बड़ होती है। संकल्प को चेक नहीं करते अर्थात बीज शक्तिशाली नहीं होता है, तो वाणी और कर्म में भी सिद्धि की शक्ति नहीं रहती है। बीज शक्तिशाली नहीं है मतलब मुझे, मैं किसी भी बात में मुझे क्रोध आ रहा है संकल्प में, और फिर मैंने वो उस सिचुएशन में डिसाइड करना था, तो क्या हो जाएगा? बीज शक्तिशाली है, विकार आते ही संकल्प में वो कमजोर होगा, बीज शक्तिशाली नहीं होगा। और वाणी कर्म में भी अर्थात बीज शक्तिशाली नहीं होता तो वाणी और कर्म में भी सिद्धि की शक्ति नहीं रहती। लक्ष्य सभी का सिद्धि स्वरूप बनने का है ना, तो सदा सिद्धि स्वरूप बनने की विधि जो सुनाई उसको चेक करो। बीच बीच में बुद्धि अलबेली बन जाती है, इसलिए कभी सिद्धि अनुभव करते कभी मेहनत अनुभव करते। तीसरा नंबर वाला था ना, अलबेली बुद्धि, इसलिए कभी सिद्धि कभी मेहनत। बाप दादा का सभी बच्चों से प्यार की निशानी है कि सब बच्चे सदा सहज सहज सिद्धि स्वरूप बन जाए इजीली। आपके जड़ चित्रों द्वारा भक्त आत्माएं सिद्धि प्राप्त करती रहती है ना,
देवी को देखते ही उनको ये मिल गया। तो चैतन्य में सिद्धि स्वरूप बने हो तब तो जड़ चित्रों द्वारा भी और आत्माएं सिद्धि प्राप्त करती रहती है। संगम युग में हुआ था ना, जो त्रिकालदर्शी स्थिति में स्थित रहते हैं तो त्रिकालदर्शी स्थिति समर्थ स्थिति है, पावरफुल स्थिति है, क्योंकि कंप्लीट पता है। इस समर्थ स्थिति वाले व्यर्थ को ऐसा सहज समाप्त कर देते हैं जो स्वप्न मात्र भी व्यर्थ समाप्त हो जाता है। त्रिकालदर्शी तो उसमें वही है, फ्यूचर के लिए सपोज सामने दिखाई दे रहा बाबा का, साकार बाबा का एक एग्जाम्पल, गाड़ी सामान में रख रहे थे, बॉम्बे जाने का प्लान था, सुना था ना, सभी को सुना है, सामान गाड़ी में रख दिया और लेकिन लास्ट फिर भी बाबा ने संतरी दादी ऑफिशियल पर्सनल संदेशी को भेजा बाबा के पास, हरी कौन सा रेड सिग्नल आ गया बाबा की तरफ से, नहीं जाना है। और वहां कितना बड़ा बड़ा पूरी सेटिंग हुई पड़ी है, बच्चे आतुर बैठे हैं, प्रोग्राम्स है बॉम्बे में, और बाबा ने, अब क्या हुआ, बाबा के हिसाब से राइट था त्रिका, अब उस समय त्रिकालदर्शी बाबा सोचे कि ऐसे कैसे क्या होगा कैसे होगा, लेकिन बाबा ने बाबा का, इसलिए जहां हमारी बुद्धि एक्चुअल वर्क नहीं कर पाती है ना, तो बेटर है श्रीमत ले लो, क्योंकि हम या तो उसी में उलझे हैं इसलिए नहीं समझ में आता है, डिटैच्ड है नहीं तब नहीं समझ में आता है, इसलिए बाबा कहते हैं। तो व्यर्थ को तो त्रिकालदर्शी बुद्धि द्वारा कर्म नहीं करते, तो व्यर्थ का बोझ बार बार ऊंचे नंबर में अधिकारी बनने नहीं देता। इस समर स्थिति वाले व्यर्थ को ऐसा सहज समाप्त कर देते। अब उसमें व्यर्थ कैसे होगा, इसमें डिसीजन लिया नहीं जाना है, अब व्यर्थ आ सकता है, क्या क्या व्यर्थ हो सकता है आपको पता है ना, ये कोई भी कोई चीज आपको रेगुलर मिलती रहती है ना, तो कभी कभी हम उसको भी नजरअंदाज कर देते, हमको आज लगता है कि नहीं बाबा ने कहा, क्योंकि वहां तो जब चाहे बाबा को का डायरेक्शन मिलता भी रहता है, लेकिन इसमें व्यर्थ, चलो कर्म नहीं किया गए नहीं, पर व्यर्थ चल तो सकता है ना, क्यों बाबा ने बोला, क्या फर्क पड़ जाता, इतना वहां प्रिपरेशन हो गई है, ये सब क्या है, गए नहीं ये तो फॉलो किया, पर ये व्यर्थ क्यों चला नहीं ये भी तो व्यर्थ नहीं चल सकता, कैसे राजेंद्र भाई, तो कर्म भी नहीं किया लेकिन व्यर्थ भी नहीं चले, ये स्थिति हो तो व्यर्थ का बोझ बार बार ऊंचे नंबर में अधिकारी बनने नहीं देता। तो दिव्य बुद्धि का वरदान सदा हर समय कार्य में लगाओ। बाप दादा ने पहले भी इशारा दिया है कि ज्ञानी योगी आत्माएं बने हो, अब ज्ञान और योग के शक्ति को प्रयोग में लाने वाली प्रयोगशाली आत्माएं बनो। जैसे साइंस की शक्ति का प्रयोग दिखाई देता है ना, लेकिन साइंस की शक्ति के प्रयोग का भी मूल आधार क्या है? आज जो भी साइंस ने प्रयोग कर साधन दिए हैं, उन सब साधनों का आधार क्या है? बोलो साइंस वाले, साइलेंस। साइलेंस की शक्ति साइंस से बड़ी है, लेकिन साइंस की शक्ति का आधार क्या है? साइंस और साइलेंस तो आपस में मतलब दो पावरफुल शक्तियां हैं। हाँ, उसका आधार क्या है? बोलो।
साइंस वाले तनुज भाई कहाँ है, दिखाई नहीं दे रहे। क्या बोला बाबा ने? हाँ, उसकी प्रयोग मतलब साइंस किस आधार पे वर्क करती है, वैसे है सिंपल, लेकिन कभी कभी बाबा बोलते हैं मेजोरिटी दिखेंगे लाइट है। मतलब साइंस अगर ट्यूबलाइट्स पावर नहीं है, कनेक्शन नहीं है, नहीं तो कर नहीं सकते ना। हाँ, मेजोरिटी देखेंगे लाइट है, लाइट द्वारा ही प्रयोग होता है। अगर कंप्यूटर भी चलता है तो किसके आधार से वो पावर? कंप्यूटर माइट है लेकिन आधार लाइट है ना। आवाज नहीं आ रही दीदी। दीदी म्यूट हो गए आप। तो आपके साइलेंस की, तो आपकी अविनाशी, जब वह प्रकृति की लाइट द्वारा, एक लाइट अनेक प्रकार के प्रयोग प्रैक्टिकल में करके दिखाती है, तो आपकी अविनाशी परमात्म लाइट, आत्मिक लाइट और साथ साथ प्रैक्टिकल स्थिति लाइट, तो उससे क्या नहीं प्रयोग हो सकता? अब परमात्मिक लाइट, मैं आत्मा हूं, ये क्लियर लाइट, और प्रैक्टिकल स्थिति लाइट, लाइटनेस, हल्कापन। तो आत्मिक लाइट और हल्कापन स्थिति में, तो उससे क्या नहीं प्रयोग हो सकता है? वैसे भी हेवीनेस में क्या होता है, गड़बड़ हो जाती है। कोई भी हेवीनेस होगी ना, वही थोड़ी बुद्धि की हेवीनेस। और बुद्धि की हेवीनेस क्या है? कचरा भरते जाओ बुद्धि में, ऐसा नहीं वैसा, उस दिन क्यों बोला ये, जितना भरते जाएंगे वो हैवी हो जाएगी। और वो बुद्धि से हम बड़े बड़े डिसीजन ले रहे हैं, उस बुद्धि से। तो जब भी कोई प्रयोग करना चाहते हो तो पहले अपने मूल आधार को चेक करो। जैसे कोई भी साइंस के साधन को यूज करेंगे तो पहले चेक करेंगे ना कि लाइट है या नहीं है। ऐसे जब योग का, शक्तियों का, गुणों का प्रयोग करते हो तो पहले ये चेक करो कि मूल आधार आत्मिक शक्ति, परमात्म शक्ति वा लाइट स्थिति है। कब? योग का जब प्रयोग करते हो तो ये चेक करो। जैसे कोई चीज प्रयोग करने के लिए लाइट चेक करते हैं ना, अरे बिजली ही नहीं है तो कुछ भी नहीं कर सकते। तो इसी तरह योग का प्रयोग करने के लिए पहले ये चेक करो, अगर स्थिति और स्वरूप डबल लाइट है तो प्रयोग की सफलता बहुत सहज कर सकते हो। जैसे अब आप कहेंगे योग के प्रयोग, मुझे उस आत्मा को सकाश देना है, योग का प्रयोग। अब इसमें तीन चेकिंग करनी है, आत्मिक लाइट, परमात्मिक लाइट और स्थिति का हल्कापन। तो अगर आत्मिक लाइट, अब मुझे उस सकाश देनी है, मैं पहले तो मैं आत्मा हूं, उस आत्मा को सकाश देना है, आत्मिक लाइट, परमात्मिक लाइट, बाबा की प्रेजेंस की फीलिंग, स्थिति में हल्कापन। हमको बहुत दर्द हो रहा है, अरे या तो बहुत अटैचमेंट है, तो स्थिति लाइट है। मैंने एकदम सोचा हुआ है कि ऐसा ही होना चाहिए, ऐसा नहीं होगा तो मैंने एकदम अंदर से अंदर उसको डेस्परेट है, तो स्थिति लाइट है। ये सब पता है, मैं आत्मा हूं, ये भी आत्मा है, उस आत्मा को शक्ति भी चाहिए, और बाबा आपको ठीक करना ही पड़ेगा स्थिति के लिए।
योग का प्रयोग तो कर रहे हैं लेकिन तीनों चीजों की। तो अगर स्थिति और स्वरूप डबल लाइट है तो प्रयोग की सफलता बहुत सहज कर सकते हो। और सबसे पहले इस अभ्यास को शक्तिशाली बनाने के लिए पहले अपने ऊपर प्रयोग करके देखो। हर मास व हर दिन, हर 15 दिन के लिए कोई न कोई विशेष गुण व कोई न कोई विशेष शक्ति का स्व प्रति अपने ऊपर प्रयोग में चेक करो। कोई भी पेपर आया लेकिन जो शक्ति व जो गुण का प्रयोग करने का लक्ष्य रखा उसमें कहां तक सफलता मिली अपने ऊपर 15 डेज बाबा कह रहे वो शक्ति का यूज करो। कि कोई भी पेपर आए, जैसे अपने लिए ये तो खुद का ही एक टारगेट होता है ना कि मैं 10 दिन ना ये समाने की शक्ति के ऊपर वर्क करूंगी। कोई भी बात आए मुझे, अब जैसे जमा करने का है तो मुझे ये ध्यान रखना है कि कुछ भी हो खर्च नहीं करना है, अपने ऊपर प्रयोग करो। वैसे उसके लिए तो हमारे हम सब बहुत करते आ रहे हैं। जैसे साइंस का प्रयोग दिन प्रतिदिन थोड़े समय में प्रत्यक्ष रूप का अनुभव कराने में आगे बढ़ रहा है तो समय भी कम करते जाते हैं, थोड़े समय में सफलता ज्यादा, ये साइंस वालों का भी लक्ष्य है। ऐसे जो भी लक्ष्य उसमें लक्ष्य रखा उसमें समय को भी चेक करो और सफलता को भी चेक करो। जब स्व के प्रति प्रयोग में सफल हो जाएंगे तो दूसरी आत्माओं के प्रति प्रयोग करना सहज हो जाएगा। मुझे पता चल गया कि इस तरह से सहन शक्ति का यूज करना होता है। खुद के प्रति मैंने प्रयोग करके देखा। तीनों स्टाइल प्रयोग का कौन सा, और उसके बेसिस में और मुझे सफलता मिली तो फिर दूसरों को इजी। तो आपके दिल में औरों के प्रति प्रयोग करने का उमंग उत्साह स्वतः ही बढ़ता जाएगा। हुआ सबको क्लियर, जो भी बैठे हैं सुन रहे हैं ऑनलाइन, एकदम क्लियर है? खुद के ऊपर प्रयोग करने से अन्य आत्माओं के संबंध संपर्क में स्व के प्रयोग द्वारा उन आत्माओं को भी आपके प्रयोग का प्रभाव स्वतः ही पड़ता रहेगा। बाबा के सिंपल वो भी बोल सकते हैं ना, बाबा के शब्दावली देखो। अन्य आत्माओं के संबंध संपर्क में स्व के प्रयोग द्वारा उन आत्माओं को भी आपके प्रयोग का प्रभाव स्वतः ही पड़ता है, क्योंकि आपने खुद यूज किया है ना। और जो प्रयोग करके कराएगा ना वो अथॉरिटी से कहेगा, अनुभव की अथॉरिटी, और उसके अथॉरिटी की शक्ति उसको मिलेगी। दूसरे में मोटिवेशन कब आती है, खुद किया है तब ना। जैसे एक दृष्टांत सामने रखो कि मुझे सहन शक्ति का प्रयोग करना है, तो जब स्वयं में सहन शक्ति का प्रयोग करेंगे तो जो दूसरी आत्माएं आपकी सहन शक्ति को हिलाने के निमित्त है वो भी तो बच जाएगी ना, उनका भी तो किनारा हो जाएगा। और जैसे छोटे छोटे संगठन में रहते हो, सेंटर्स है, तो सेंटर्स पर छोटे संगठन है ना, तो पहले स्व के प्रति ट्रायल करो, फिर अपने छोटे संगठन में ट्रायल करो, खुद के ऊपर देखो कि नहीं। अब खुद के ऊपर कैसे देखे, फिर संगठन के ऊपर देखे। जैसे सपोज मुझे ये देखना है कि अगर बिजली चली गई मेरे में सहन शक्ति है, तो थोड़ा बिना बिजली का यूज करके देखो मैं रह सकती हूँ। अब इसमें वॉलेंट्रली हमने किया है, अभी उसमें कोई जरूरत नहीं थी, हमने वॉलेंट्रली किया, नहीं ये करके देखो। इसी तरह थोड़ा नहीं है, तबीयत ठीक नहीं है, चलो फिर भी मैं मुरली सुनूंगी, ये अपने प्रति हमने देखा।
मुझे नियमों का पालन करना है। तो जब खुद पे किया फिर बाद में संगठन पे करो, तो फिर और जैसे छोटे छोटे तो संगठन रूप में भी कोई गुण व शक्ति के प्रयोग का प्रोग्राम बनाओ कि आज हम ऐसे करेंगे। उससे क्या होगा, संगठन की शक्ति से उसी गुण व शक्ति का वायुमंडल बन जाएगा। खुद किया फिर जिस भी संगठन में आप है, ये जो व्रत रखते हैं उन लोग क्या करते हैं, ये जैसे शिवरात्रि पे अगर परिवार वाले भी व्रत रखते पूरा, तो एक होता है खुद व्रत रखते, एक होता है पूरा परिवार मिलके वो नई चीज खाता है, तो उसे उनमें भी तो वो एक जागता है ना कि नहीं आज के दिन, नहीं तो ये चीज देखी खा लिया, ये चीज देखी मन किया खा लिया, तो उस दिन के लिए पूरे संगठन ने डिसाइड किया होता है ना। तो इस तरह से कोई गुण व शक्ति का ट्राई करना। इसलिए कभी कभी क्या होता है, हम तो पावरफुल बन जाते हैं लेकिन हमारा साथी जो है, चाहे लौकिक परिवार है या उनमें पावर नहीं आती क्योंकि उनके साथ यूज नहीं किया होता है। पर उसके लिए उनको, अगर अज्ञानी है तो उनको थोड़ा कन्विंस करना होता है कि नहीं नहीं आज ऐसे करेंगे हम। तो बाबा कहते संगठन की शक्ति से उसी गुण व शक्ति का वायुमंडल बन जाएगा, वाइब्रेशन फैलेगा और वायुमंडल व वाइब्रेशन का प्रभाव अनेक आत्माओं के ऊपर तो पड़ता ही है। तो ऐसे प्रयोगशाली आत्माएं बनो, पहले स्वयं में संतुष्टता का अनुभव करो फिर औरों में सहज हो जाएगा क्योंकि विधि आ जाएगी। अब संतुष्टता का गुण जैसे कितने सारे है प्रयोग करने के लिए, संतुष्टता का गुण का प्रयोग करो कि नहीं हो गया ना यही बेस्ट था, संतुष्ट उस आत्मा से, संतुष्ट उस इवेंट से संतुष्ट, लेकिन फ्यूचर में मुझे कैसे करना। तो संतुष्टता का गुण का प्रयोग करो। जैसे साइंस के कोई भी साधन को पहले इन लोग क्या करते हैं, साइंस में पहले लैब में रिसर्च करके ट्रायल नहीं करते, टेस्ट करते हैं। पोखरान टेस्ट हुआ, पहले टेस्ट हुआ ना फिर एक्चुअली फाइनल में आता है। तो ऐसे आप पहले स्वयं को सैंपल के रीति से यूज करो, जितना ये प्रयोग करने की रुचि बढ़ती जाएगी बुद्धि मन इसमें बिजी रहेगा। खुद स्टार्ट खुद से, और तो छोटी छोटी बातों में जो समय लगाते हो ना, शक्तियां लगाते उनकी बचत हो जाएगी, सहज ही अंतर्मुखता की स्थिति अपनी तरफ आकर्षित करेगी। क्योंकि कोई भी चीज का प्रयोग और तो, मतलब प्रयोग करने से अंतर्मुखता की स्थिति कैसे आएगी, प्रयोग करने से अंतर्मुखता की स्थिति कैसे आएगी, ध्यान दे रहे ना अपने ऊपर दीदी, प्रैक्टिस कर रहे तो आपका टेंशन, सिर्फ अपने ऊपर ध्यान दे रहे ना, हाँ सिर्फ अपने ऊपर फोकस है। और वैसे तो उस परिस्थिति आती ही ऐसी है, ऑटोमेटिक खुद के ऊपर ध्यान देने के मौके मिलते हैं नहीं कोई इस तरह का संस्कार ही घर में है किसी का, तो ऐसी परिस्थिति क्रिएट करता ही रहता है कि जहां वो मेरी सहन शक्ति टेस्ट होती है देखे तो मुझे करना भी, मतलब कोई परिस्थिति क्रिएट भी नहीं करना पड़ता है, वो होता ही रहेगा। तो बाबा कहते हैं ऐसे आप पहले, तो जैसे साइंस के कोई भी साधन को पहले, हाँ अंतर्मुखता की स्थिति अपनी तरफ आकर्षित करेगी, क्योंकि कोई भी चीज का प्रयोग और प्रयोग की सफलता स्वतः ही और सब तरफ से किनारा करा देती है। प्रयोग करने में हम फोकस होते हैं, प्रयोग के बाद हाँ आज मुझे ना फायदा मिला, मैं शांत रही ना उसका फायदा हुआ, तो और सब तरफ से किनारा करा देती है, बुद्धि और कहीं जाएगी नहीं। ये प्रयोग तो सभी कर सकते हो ना कि मुश्किल है, इस वर्ष प्रयोगशाली आत्माएं बनो,
ये न्यू टाइटल, समझा क्या करना है। और हर एक स्वयं के प्रति प्रयोग में लग जाएंगे तो प्रयोगशाली आत्माओं का संगठन कितना पावरफुल बन जाएगा। वह संगठन प्रयोगशाली आत्मा का, वह संगठन की किरणें अर्थात वाइब्रेशंस बहुत कार्य करके दिखाएगी। कौन सा? प्रयोगशाली आत्माओं का संगठन। इसमें सिर्फ दृढ़ता चाहिए, मुझे करना ही है, करना पड़ता है और कोई चॉइस नहीं है, ये दृढ़ता नहीं है, मुझे करना ही है। दूसरे के अलबेलेपन का प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए, आपकी दृढ़ता का प्रभाव औरों पर पड़ना चाहिए, क्योंकि दृढ़ता की शक्ति श्रेष्ठ है। दूसरे के अलबेलेपन का प्रभाव कैसे पड़ता है? मैंने डिसाइड किया कि नहीं, मुझे बाहर का खाना ही नहीं है, अब खुद के ऊपर प्रयोग करना है कि नहीं खाना है। अब जब नहीं खाना है ना, तो एक तो अल्टरनेटिव्स भी क्लियर होगा, और दूसरा हमको पता चलता है कि हम कहते कि लोग मुझे फोर्स करते, मेरा ही मन चल रहा था नहीं और फिर हम कह रहे थे कि कैसे करें, हम बाहर जाते ये नहीं पॉसिबल है। तो इसलिए जब तो दूसरे के अलबेलेपन का प्रभाव, लोग मुझे फोर्स कर रहे थे, लोग पता नहीं क्या क्या बोल देंगे मेरे लिए, तो दूसरे के अलबेलेपन का प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए। अब उसमें उनके अलबेलापन क्या है, उनका तो फंडा ही है ना, खाओ पियो मौज करो, ये कोई तपस्वी जीवन, ये सन्यासी बनना है क्या? मतलब वो कितने सारे पॉइंट्स लेते हैं आपके हमारे लिए, ऐसे थोड़ी चलेगा। वो बहनों के लिए ठीक है, अब उनके अलबेलेपन का प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए। आपकी उनके अलबेलेपन का प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए, लेकिन आपकी डैश का प्रभाव, दृढ़ता का प्रभाव और ऊपर पड़ना चाहिए। वो कहेंगे बैठो ना, देख लो ना, ऑनलाइन चल रहा है ना, बस हो गया ना, ये भी तो वही मुरली है, हमारी दृढ़ता क्या बोलती है जब वो बोलेंगे ना, वो बहुत सारी बातों को भी उसको ऑथेंटिकेट करते हैं ना उसको, कि नहीं नहीं ऐसे थोड़ी चलता है, ये है वो है ऐसे है आराम से, और फायदा करना क्या है, धारणी तो करना है। वो तो यहाँ बैठ के भी धारण होता है, अगर नहीं तो वहां जाके भी नहीं होगा, सारे पॉइंट्स है, फिर हम क्या करेंगे तो हमारी दृढ़ता का प्रभाव उन पर पड़े, न कि उनके अलबेलेपन का प्रभाव। बाबा कह रहे दूसरे के अलबेलेपन का प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए, ठीक है? ऐसे कौन है, कितने हैं? आपकी दृढ़ता का प्रभाव औरों पर पड़ना चाहिए। हिम्मत कौन रखता है? हाथ उठाएगा हाँ करोगे, नहीं भी हो ना तो ट्राई करो, नहीं मुझे किसी के। और जब हम नहीं करते हैं ना, फिर वो बोलना भी छोड़ देते हैं, और फिर वो आएंगे, हम ही आराम से उनके अकॉर्डिंग चलने गए तो वो क्यों आएंगे? फिर कहते घर वाले नहीं मानते, इसलिए नहीं मानते। तो आपकी दृढ़ता का प्रभाव औरों पर पड़ना चाहिए, क्योंकि दृढ़ता की शक्ति श्रेष्ठ है, या अलबेलेपन की शक्ति श्रेष्ठ है, बाप दादा का वरदान है। क्या वरदान है गुलाब भाई? दृढ़ता के लिए दृढ़ता ही मानता है, जहां दृढ़ता है वहां सफलता है ही। आप केवल दृढ़ संकल्प रखो,
बस कोई भी संकल्प में, तो क्या बनेंगे? अब क्या बनना है? किस पे मुरली चल रही थी? प्रयोगशाली त्रिकालदर्शी आसनधारी, आज प्रयोग पर है। और तीसरा क्या करेंगे? जैसा समय वैसी विधि से सिद्धि स्वरूप। तो वर्ष का ये होमवर्क है, ये होमवर्क स्वतः ही बाप के समीप लाएगा। जैसे ब्रह्मा बाप को देखा, कोई भी कर्म करने के पहले आदि मध्य अंत को सोच समझ कर्म किया और कराया। अलबेलापन नहीं, अच्छा कर्म में अलबेलापन। एक है कर्म में विकार और एक है कर्म में अलबेलापन। विकार में तो मिस्टेक होती ही है, सफलता में फर्क तो आएगा ही। अलबेलापन कि जैसा अलबेलापन वो भी है, ये आलस्य में आएगा। अलबेलापन ये आलस्य के वर्ड्स है। पोस्टपोन जो करता है ना, हाँ कर लेंगे अभी, हो जाए बाद में कर लेंगे, ये आलस्य। अलबेलापन और भी कर रहे हैं, जैसा हुआ ठीक है, चलो चलाना ही है, नहीं हाँ इतना इतना तो कर रहे हैं, नहीं फिर क्या करें? तो फॉलो ब्रह्मा बाप, ठीक है। फॉलो करना तो सहज है ना, कॉपी करना है ना, कॉपी करने का तो अकल है ना। ये लेंगे हम बीड़ा, नहीं मुझे बाबा को फॉलो करना है। बाबा ने ऐसा नहीं किया, मुझे नहीं करना है। ये नहीं कि वो बहन ने किया, वो बहन ने नहीं किया, बाबा ने ऐसा नहीं किया। अच्छा ये ग्रुप चांस लेने वाला ग्रुप है, हाँ फरिश्ता फैमिली चांस लेने वाला है, यही वाले चांस लेने वाला। प्रयोगशाली जो वो 52 लास्ट वाला, त्रिकालदर्शी आसनधारी, त्रिकाल प्रयोगशाली त्रिकालदर्शी आसनधारी ग्रुप, ये नया ग्रुप हो सकता है। दृढ़ता का आसन नया नाम है, सभी है इस कैटेगरी में। मंजू बहन दिखाई नहीं दे रही, हाँ है, सुन रहे हो? तो अच्छा हाँ हाँ जितने भी मंजू है वो सब देख ले। एक्स्ट्रा लॉटरी मिली है ना, जो अचानक लॉटरी मिलती है ना तो उसकी खुशी ज्यादा होती है। इस ग्रुप को मिला होगा एक्स्ट्रा चांस, तो ये लकी ग्रुप हुआ ना, चांस लेने वाली लेने वाला लकी ग्रुप। दूसरे सोचते रहेंगे कब जाएंगे और आप पहुंच गए। अब डबल विदेशों का टर्न शुरू होने वाला है। भारतवासियों ने तो अपनी लॉटरी ले ली, चारों ओर के डबल विदेशी बच्चे, बच्चों ने जो रिट्रीट का प्रोग्राम बनाया उसमें मेहनत अच्छी की, विशेष निमित्त आत्माओं को समीप लाने की विधि अच्छी है, और जितना हिम्मत रख आगे बढ़ते रहे हैं उतनी सफलता हर वर्ष श्रेष्ठ से श्रेष्ठ मिलती रही है। ऐसे अनुभव होता है ना, कोई समय था जो निमित्त विशेष आत्माओं से संपर्क करना भी मुश्किल लगता था, और अभी क्या लगता है, जितना सोचते उससे और ही ज्यादा आते हैं ना। मतलब कोई वीआईपी है उससे कांटेक्ट करना पहले मुश्किल था ना, और अब प्रेसिडेंट के घर भी कितने प्रोग्राम्स हो गए। अब तो बहुत सारे मिनिस्टर्स और ये सब बोलते हैं कि हमको जाना है, मैंने बहुत समय से सोचा हुआ है, मुझे जाना है माउंट आबू जाना है, बताओ मुझे प्रोग्राम। तो बाबा कह रहे कोई समय था जो निमित्त विशेष आत्माओं से संपर्क करना भी मुश्किल लगता था, और अभी क्या लगता है, जितना सोचते हो अभी। ये सूरज भाई को राष्ट्रपति ने निमंत्रण दिया है, शायद
2 दिन वहां रहने का। एग्जैक्टली कितना क्या होगा पता नहीं, शायद आज है प्रोग्राम उनका, उनके निमंत्रण पर। अब कहाँ है क्या स्टेज था कि वो एक हाथ मिलाओ फोटो निकालेंगे, फोटो प्रोफाइल फोटो में डालेंगे पूरे जीवन भर का यादगार होगा। तो बाबा कह रहे, क्योंकि वो लास्ट टाइम जब कह रहे थे कि मैं आने वाला हूँ, मुझे निमंत्रण है, शायद 2 या 3 दिन का निमंत्रण है, कि उनको वो योग का प्रयोग सब बताना है उनको। तो बाबा कह रहे हैं, तो जितना सोचते उसे और ही ज्यादा आते हैं ना अब तो। मधुबन में भी को पता है ना, मनमोहिनी वन के 2 ऑडिटोरियम, मानसरोवर का है ही ऑडिटोरियम, फिर शांतिवन के 2 है ही कॉन्फ्रेंस हॉल, और ये और ऊपर पांडव भवन तो ओवर बिजी चल रही है, ज्ञान सरोवर, एट अ टाइम चारों तरफ प्रोग्राम्स, डेट्स चाहिए सबके लिए। आनंद वो नहीं, वो तो रेसिडेंशियल बन रहा है, आनंद सरोवर में जो बन रहा है वो तो रेसिडेंशियल। तो ये हिम्मत का प्रत्यक्ष, जितना सोचते उसे और ही ज्यादा आते हैं ना, तो ये हिम्मत का प्रत्यक्ष फल है। भारत में भी संपर्क बढ़ता जाता है, पहले आप निमंत्रण देने की मेहनत करते थे और अभी स्वयं आने की ऑफर करते हैं, फर्क पड़ गया है ना इसको। ये है ना, अभी जो करंट CDS है उनको भी इनवाइट किया, उनकी युगल को तो मतलब वो चाहते हैं कि मुझे आना है, बेशक वो अलग है कि संकल्प सबका है कि आना है, जिनके पास भी जाते हैं ना आना है, ज्यादा एक्सप्लेनेशन नहीं करनी पड़ती आजकल, है ना। फर्क पड़ गया ना, वो कहते हम चले और आप कहते हो नंबर नहीं है। ये है हिम्मते बच्चे मददे बाप का प्रत्यक्ष स्वरूप। अच्छा, दादियों से मुलाकात, आप निमित्त आत्मा किस प्रयोगशाला में रहते हो, सारा दिन कौन सी प्रयोगशाला चलती है, नई नई इन्वेंशन करते रहते हो ना, नए नए अनुभव करते जाते हो और नई नई विधि भी टचिंग होती रहती है, क्योंकि जो निमित्त है उनको विशेष नई नई बातें टच होने का विशेष वरदान है। थोड़ा समय भी बीतेगा तो विचार चलते हैं ना, टचिंग आती है कि अभी ये हो, अभी ये हो, निमित्त आत्माओं को बाबा कहते हैं टचिंग आती है ना कि अभी ये हो, अभी ये हो, अभी ये होना चाहिए। तो निमित्त आत्माओं को विशेष उमंग उत्साह बढ़ाने का, बढ़ाने के व परिवर्तन शक्ति को बढ़ाने की प्लान की जरूरत है। उमंग उत्साह और परिवर्तन शक्ति, इसके बिना रह ही नहीं सकते हैं। बुद्धि चलती है ना, देख देख आश्चर्यवत नहीं होते हैं, लेकिन उमंग उत्साह में आगे बढ़ाने के लिए प्लानिंग बुद्धि बनते हैं। माया संगठन को हिलाने के लिए नए नए प्लान बनाती है, नई नई बातें सुनती हो ना। देखो माया क्या कर रही है, यहाँ उनका उमंग उत्साह बढ़ाना भी है, अपना भी और बढ़ाना भी है, परिवर्तन शक्ति भी यूज करनी है। और माया क्या करती है, निमित्त आत्माओं के लिए, दादी दीदियों से बात करे बाबा, क्या कर रही है, माया संगठन को हिलाने के लिए नए नए प्लान बनाती है, नई नई बातें सुनती हो ना, और आप लोग सभी को हिम्मत उमंग में लाने के लिए प्लान बनाते हो। माया अपना प्लान करती है, कभी आश्चर्य लगता है, नहीं लगता है ना, क्यों, माया इस वीर से आई माया भी पुरानी विधि से थोड़ी अपना बनाएगी। हम सोचते अच्छा ये आत्मा ऐसी करती है, इसके लिए तो मैंने कभी नहीं सोचा था, तो माया कोई एक ही स्टाइल से थोड़ी आएगी हमेशा दुश्मन पता है भाई, ये वाले स्टाइल से करो तो ये तो विजयी बन जाएंगे। माया भी पुरानी विधि से थोड़े ही अपना बनाएगी, वो भी तो क्या करेगी, माया नवीनता लाएगी ना
समझा? बोलो क्या समझ में आया? माया के नए नए कोई भी दुश्मन न्यू न्यू प्लान्स करेंगे ना। हाँ अच्छा, चारों ओर के मास्टर त्रिकालदर्शी आत्माओं को सदा समय के महत्व को जानने और समय प्रमाण खजाने को कार्य में लगाने वाले दिव्य बुद्धिवान आत्माओं को सदा अंतर्मुखता की प्रयोगशाला में प्रयोग करने वाली प्रयोगशाली आत्माओं को सदा हिम्मत द्वारा बाप के मदद का प्रत्यक्ष अनुभव करने वाली आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और बोल नमस्ते। नमस्ते। हम रूहानी बापी रूहानी बच्चों रूहानी को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को बाप याद प्यार नमस्ते। नमस्ते। गुड शुभ मॉर्निंग, शुक्रिया बाबा, प्यार, वरदान है। थैंक शुद्ध यू बाबा, बोलो बाबा, मन बोलो। और दिव्य बुद्धि के विमान द्वारा सेकेंड में स्वीट होम की यात्रा करने वाले शुद्ध मन और दिव्य बुद्धि, ये है प्लेन विमान। सेकेंड में स्वीट होम की यात्रा करने वाले मास्टर सर्वशक्तिवान भव। देखो आप, आज हमको करना है ना, सेकेंड में करना है। साइंस वाले फास्ट गति के यंत्र निकालने का प्रयत्न करते हैं, उसके लिए कितना खर्चा करते हैं, कितना समय और एनर्जी लगाते हैं। लेकिन आपके पास इतनी तीव्र गति का यंत्र है जो बिना खर्च के सोचा और पहुंचा। आपको शुभ संकल्प का यंत्र मिला है, दिव्य बुद्धि मिली है। इस शुद्ध मन और दिव्य बुद्धि के विमान द्वारा जब चाहे तब चले जाओ और जब चाहे तब लौट आओ। मास्टर सर्वशक्तिवान को कोई रोक नहीं सकता। कौन सा चाहिए? बुद्धि, विमान, दिव्य। दिव्य बुद्धि कौन सी बुद्धि? आज की। अब क्लियर हो गया? डिवाइन इंटेलेक्ट, डिवाइन इंटेलेक्ट है। दिव्यता का बहुत डीप मीनिंग है। त्रिकालदर्शी बुद्धि, प्रयोगशाली बुद्धि, दिव्य बुद्धि, दृढ़ता वाली, दृढ़ता के आसनधारी बुद्धि। स्लोगन है, दिल सदा सच्ची हो तो दिलाराम बाप की आशीर्वाद मिलती रहेगी। दिल दिखाई नहीं सदा दे सच्ची रहा, हो पर करना पड़ेगा। तो दिलाराम बाप की आशीर्वाद मिलती रहेगी। तो ये थे बाबा के महावाक्य। बहुत पेचीला था हाँ। अपने आप से समझ नहीं सकते, थोड़ी मुरली ऐसी थी। इसको थोड़ा ध्यान से सुनना भी, ध्यान से, और समझना भी उसके बाद बहुत ध्यान से। तो ये है दीदी त्रिकालदर्शी सभी अव्यक्त मूड में, त्रिकालदर्शी सोच समझ के दिव्य बुद्धि के आसन, दृढ़ता का आसन और दिव्य बुद्धि से त्रिकालदर्शी हो सकता है। साधारण बुद्धि नहीं, दिव्य बुद्धि। तो ये बात, ये था विशेष। तीन बातें कौन सी थी? त्रिकालदर्शी के तीन कैरेक्टरिस्टिक्स, तीनों ही काल, वो तो तीन टाइप के थे। एक त्रिकालदर्शी, एक काल और एक अलबेली बुद्धि, वो तीन टाइप के, तीन कैरेक्टरिस्टिक्स दिव्य बुद्धि की। हाँ, साथ साथ, ये बहुत इंपॉर्टेंट भाव नहीं, साथ साथ और स्पष्ट, भविष्य और फ्यूचर, वर्तमान और भविष्य दिखाई दे, और तीनों कालों को
और इतना ही स्पष्ट हो जैसे प्रेजेंट स्पष्ट हो दिव्य बुद्धि को। तो ये वाला हम करना है, हर बात में इमीडिएटली संकल्प आया और कहीं भी जहां विकार होता है ना वो एकदम इमीडिएट होता है। इसलिए कभी कभी बाबा ने कहा अगर संकल्प भी आए, सपोज नहीं हम रोक सके, पर एटलीस्ट वाणी और कर्म में तो नहीं आओ उतना ही तूफान बच गया, नहीं तो फिर तो। अब उसके लिए भी ये स्टाइल चाहिए पहले से, किनके वाणी और कर्म में नहीं आता है, जिसका नेचर होता है। नहीं तो अगर मेरा सपोज हर जगह इंस्टेंट नेचर है, संकल्प आया कर लिया, तो मुझे जहां भी नहीं भी करना चाहिए ना वो उस समय नहीं होगा, ये ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम का संस्कार है, नहीं संस्कार है। ओके जी।